हेलो एवरीवन स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जी एस पी स्टडी पॉइंट पर जिस पर फिर से मैं आपके बीच सवा नौ के बाद नौ बज के तेईस मिनट पर लाइव हुआ हूं आज एक बिल्कुल नए सेशन को लेकर जिसका नाम है बर्ड पावर सेशन और इस सेशन में मैं आपको प्रीवियस ईयर के सैनिम के क्वेश्चंस बनवाऊंगा ये सवाल न सिर्फ एस के एस्पायरेंट्स के लिए बल्कि एयरफोर्स नेवी एवं अन्य सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स जिसमें कि इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रहा है क्योंकि तो आप तो जानते ही हो कि वर्ड पावर कितना इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है तो फिर आपको अधिक समझाने की जरूरत नहीं है तो मैं गोपाल सर आपके बीच फिर से लाइव हूँ ठीक है गुड इवनिंग एवरी हर किसी को गुड इवनिंग और आज आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो पहला क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने का मौका मिला है आप इसे सॉल्व कर सकते हो एक बार मैं पूछ लूं वॉइस पिक्चर एवरीथिंग क्लियर है या नहीं है चलिए नौ पंद्रह ज्यादा लेट नहीं हुए हम लोग बहुत समय पर लाइव हो गए हैं राजीव राज गुड इवनिंग सौरभ कुमार गुड इवनिंग अनंत जय कुमार गुड इवनिंग स्मार्टी बाबू गुड इवनिंग ज्ञानदीप कुमार गुड इवनिंग हाय राहुल जादव इवनिंग, यादव गुड इवनिंग नीतीश यादव गुड इवनिंग ऋषि कुमार गुड इवनिंग सुचित चौधरी सही है ठीक है तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास जिनको आना है धीरे धीरे जुड़ जाएंगे क्योंकि आज हम लोग ज्यादा लेट नहीं है समय पर ही लाइव हुए हैं सर खाना खा लिए हैं खा लीजिए, कोई आटा सानते हैं कोई खाना खाते हैं जहां तक मेरा बात है तो हम तो खाकर ही आते हैं लव कुमार चलो शुरू करो आज का सेशन फिर चैटिंग होता रहेगा तुम्हारे पास पहला वर्ड है विंडीनिस शुरू करने से पहले बता दूं ये का सेशन है, यानी जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी शब्द के होंगे इसमें सिमिलर वर्ड वाले मीनिंग को तुम्हें चूज करना है यानी ऐसे वर्ड को चार ऑप्शन में से सेलेक्ट करना होगा जिसकी मीनिंग यहाँ मेन शब्द से मैच करती हो तो पहला वर्ड विंडीनेस है, है ना आप इंतजार कर रहे थे इस क्लास का ऐसा क्लास बराबर होता रहेगा गुड इवनिंग प्रीति यादव तो विंडीनेस शब्द हमारे बीच आ चुका है विंडीनेस का मतलब क्या होता है सभी वर्ड्स मैंने संजीव ठाकुर के बुक से लिए हैं ये सेशन विशेष डिमांडेड था इस बुक के ऊपर मैं खाली लिखा हुआ एयरफोर्स है सारे सवाल इसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं है ना निवास निराला डी होगा चलो ठीक है विंडीनेस शब्द का मीनिंग डी होगा तो तुम ये भी बताओ कि प्रॉक्सिलिटी का मीनिंग क्या होगा विंडीनेस का मीनिंग क्या होगा सर बोलकर हंसी बढ़ा दिए चलिए ठीक है बिन्डी की मीनिंग बताओ राकेश कुमार डी होगा चलो ठीक है चलो मैं बता रहा हूं तुम लोग नहीं बता रहे हो टू यूज टू मैनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना यानी yani, शब्द आडंबर, शब्द का आडंबर लगा देना शब्द आडंबर, यानी yani, शब्द का अत्यधिक प्रयोग करके और किसी विचार को व्यक्त करना जो कम शब्द में भी बताया जा सकता है उसको भरबोस यानी इसको आप भरबोस भी बोल सकते हो शब्दों का अत्यधिक प्रयोग कोविंडीनस भी बोला जाता है बाचाल के अर्थ में यहाँ पर अत्यधिक शब्दों का प्रयोग के अर्थ में भरबोस भी आता है और प्रोलिक्सिटी का भी सिटी का भी अर्थ होता है कि किसी बात को व्यक्त करने के लिए आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग करना गलत जवाब आया आपका निवासिटी नहीं वर्ड है जिसका मतलब नियरनेस होता है और यह वो वर्ड नहीं है तो आपने यह जवाब अंदाजे लगाया था है ना? सही हो गया अलग बात है तो ब्रेविटी मतलब सार संक्षेप होता है संक्षिप्तता तो ब्रेविटी का अर्थ हो गया संक्षिप्तता प्रोपोजिशन का मतलब होता है प्रपोजल प्रस्ताव समर्थन तो प्रोपोजिशन का मतलब प्रस्ताव हो गया या सुझाव हो गया तो प्रपोजिशन का मतलब सुझाव या प्रस्ताव होता है ये इसकी मीनिंग हो गई एग्रीमेंट एक आसान वर्ड है इसकी मीनिंग होती है सहमति तो एग्रीमेंट का अर्थ अगर तुम लगाने वाले हो तो सुन लो एग्रीमेंट का अर्थ सहमति होता है एग्रीमेंट की मीनिंग होती है सहमति चलिए क्वेश्चन इस तरह से विंडीनेस का जो साइनोनिम्स होगा वो प्रोलिक्सिटी होता है क्योंकि तो इसका मतलब होता है शब्दों का अत्यधिक प्रयोग करना अगला वर्ड आपके पास आ चुका है पहुंच चुका है ज्यादा दूर नहीं है जिसमें की वर्ड आपको दिख रहा है डेस्पेकिबल डेस्पिकबल डेस्पेकिबल सब लोग ए लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं अगर इसका आप ए लगा रहे हैं तो डेस्पेकिबल का मतलब होता है निंदनीय निंदनीय मतलब जिससे घृणा किया जाए घृणा के लायक ये डिस्पाइस शब्द से बना हुआ है डिस्पाइस का मतलब ही होता है घृणा करना या निंदा करना तो निंदनीय हो गया और कंटेम्प्ट मतलब भी घृणा करना या निंदा करना होता है अतः कंटेम्पिबल मतलब भी निंदनीय हो गया डिस्पेरेट मतलब निराश या उज्जट स्वभाव का व्यक्ति निराश व्यक्ति या सिर्फ निराश के लिए डिस्पेरेट का प्रयोग होता है फेथलेस को आप या अनिच्छुक यानी जो डिजायर्ड नहीं है जिसकी इच्छा नहीं की गई है वो अनडिजायरेबल हो गया क्वेश्चन नंबर तीन क्वेश्चन नंबर तीन में आपके पास वर्ड है स्पर्ण स्पर्ण का मतलब होता है स्वीकार नहीं करना स्वीकार नहीं करना अब सुनो सपोर्ट मतलब समर्थन करना ये इसका साइनो नहीं हो सकता है क्योंकि ये इसकी हिंदी और स्वीकार नहीं करना अब स्वीकार नहीं करना मीनिंग देगा तो ये इसका साइनो कैसे हो सकता है ठीक है यानी ये इसका साइनो नहीं होगा स्वीकार नहीं करना मीनिंग दे रहा है इसलिए तो ये इसका साइनोनिम्स नहीं हो सकता है इसको इंप्रूव करना होगा आपके पास अगला वर्ड है अप्रूव अप्रूव की मीनिंग मैं यहां लिख रहा हूं अप्रूव का मतलब भी होता है स्वीकृत करना स्वीकृत करना तो स्वीकृत करना अप्रूव का मीनिंग है ये भी इसका साइनोनिम नहीं हो सकता है और एक्यूस्क जो वर्ड दे रहे हो इसका भी मतलब होता है कि बिना सहमति के किसी चीज को और लोगों की सहमति के बिना भी मतलब और लोग नहीं भी मान रहे हैं फिर भी लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं फिर भी हम स्वीकार कर लिए तो एक्यूस्क का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट एग्री विदाउट एग्रीमेंट ऑल दे यू मे गेट एग्री आप इसके लिए सहमत हैं लेकिन अगला से बिना पूछे आप स्वीकार कर लिए वो मानेगा कि नहीं मानेगा तो किसी चीज को अन्य लोगों की सहमति के बिना ही स्वीकार कर लेना तो खैर सपोर्ट भी समर्थन या स्वीकार कर रहा है प्रूफ भी स्वीकार कर रहा है और एक्यूज भी स्वीकार कर रहा है ऑन द अदर हैंड यहाँ पर जो नकार देने का मीनिंग है या अस्वीकार कर देने का मीनिंग है वो मीनिंग डिक्लाइन है अब तो आप सही जवाब लगा ही लेंगे कि इसका सही जवाब अस्वीकार करने का कौन सा होगा डिक्लाइन तो थर्ड का ऑप्शन सी क्लिक कर लेंगे चलो ठीक है एक मिनट जरा हम इसको शेयर कर देते हैं तब तक आप लोग लाइव रहना टेलीग्राम में जाके टेलीग्राम चैनल पर जो लोग जुड़ जाएंगे उनको हर वीडियो का लिंक हर समय मिल जाया करेगा अभी मैं जस्ट इसको शेयर कर रहा हूं और ये यहाँ चला गया जस्ट अ मिनट एक मिनट वहाँ से ये यहाँ चला गया और यहाँ से फिर यहाँ भी डाल देते हैं लीजिए हम लोग के ग्रुप में प्रचार शुरू हो गया चलिए ठीक है तो आप देख सकते हो कि हमने इसको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया है ताकि अन्य व्यूअर्स जो कि हमसे जुड़ते हैं उनको पता चल जाया करे और ये काम आप भी कर सकते हो मेरे तरफ से ठीक है तो चलिए थोड़ा टाइम लग गया एक मिनट ताकि और लोग को इसका फायदा मिल जाए हाँ तो हम बात कर रहे हैं वापस टॉपिक पर आ चुके हैं आप लोग के जवाब का वेट कर रहे हैं और कैटास्ट्रॉफ वर्ड का आंसर हाँ जी बिल्कुल कैटास्ट्रॉफ का मतलब विनाश होता है डिस्ट्रक्शन होता है तबाही होती है तो कैटास्ट्रॉप का मतलब डिस्ट्रक्शन होता है बहुत भयंकर विनाश या प्राकृतिक आपदा या कैलामिटी का इसका एक और मीनिंग हो गया कैलामिटी इसका मतलब भी प्राकृतिक आपदा या विध्वंस होता है डिस्ट्रक्शन मतलब विध्वंस होता है कैटास्ट्रॉप मतलब विध्वंस होता है हैलिप्स का मतलब विध्वंस या बहुत बड़ी तबाही होती है तो इसका जो ऑप्शन लगेगा हमारा डी ऑप्शन लगेगा है ना यानी डी ऑप्शन लगा देंगे यहां पर आपको अगला वर्ड है रिसर्जेंस तो रिसर्जेंस का मतलब होता है पुनरुत्थान, फिर से यानी कि फिर से पहले जैसा बनाना पुराने अस्तित्व में आना या कोई चीज़ टूट गया है बिल्डिंग वगैरह या हेल्थ खराब हो गया है तो फिर से पहले जैसी स्थिति में आने को हम रिसर्जेंस बोलते हैं वहीं पर आमयस का साइनोनिम जो ब्रेक होता है आसमायस मतलब तोड़ना होता है आपके पास एक कॉर्कर वर्ड है कॉरकर का मतलब हो गया एन एक्सेलेंट पर्सन एक बहुत ही अद्वितीय व्यक्ति जिसके अंदर बहुत बहुत भव्य या बहुत ही अच्छा व्यक्ति एक्सेलेंट पर्सन इसको आप कौर कर बोलते हैं तो डी इज द राइट आंसर फैक्ट्स सर टेलीग्राम का लिंक कमेंट्स में दे दीजिए सर हर बार दे देते हैं मतलब बाद में डालते हैं अभी इसमें आप लाइव हो जाया करिए टेलीग्राम का लिंक हम दे देंगे इसमें भी दे देंगे ल्यूसीडिटी का मतलब क्लैरिटी होता है क्लैरिटी में से बुलाई बुला मतलब अपने आप निकल गया ये मेरे माइंड में सेट है और ऑप्शन में भी आपका क्लैरिटी ही है तो ल्यूसिडिटी का मतलब तब होता है अस्पष्टता अस्पष्टता से अस्पष्टता क्लैरिटी का भी अर्थ होता है तो हमारा यहां पर जो सैनोनिम्स लगना था वो क्लैरिटी हो गया और फ्लूडिटी का मतलब हो गया तरलता फ्लुइड से बना है फ्लुइड मतलब तरल हो गया फ्लुइडिटी मतलब तरलता हो गया पोलाइटनेस वर्ड की हिंदी होती है विनम्रता और फ्लुएंसी मतलब लगातार बोलने स्पष्ट बोलने की स्थिति को फ्लुएंसी बोलते हैं इसको बोला जाता है धारा प्रवाहिता ऐसे वर्ड याद बहुत आसानी से हो जाएगा एक से दो बार वीडियो देख लेगा तो रटने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा और इस प्रकार से ल्यूसिडिटी का सिनोनिम्स आपका क्लैरिटी हो गया हां जी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिक्ट का मतलब होता है दोषारोपण करना यानी दोष लगाना तो दोष लगाना आरोप लगाना इसे हम इंडिक्ट कहेंगे तो इंडिक्ट का मतलब है आरोप लगाना आरोप लगाने के लिए वर्ड आपका हो गया इंडिक्ट लव किसको नहीं पता है प्रेम करना प्यार करना चार्ज का मतलब भी होता है आरोप लगाना चार्ज का मतलब भी होता है आरोप लगाना तो यहाँ ऑप्शन सी हम क्लिक कर देंगे मैनिफेस्ट का मतलब होता है साकार रूप देना. साकार रूप रूप देना 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 या आकृति किसी चीज को उसकी आकार देना आकृति देना साकार रूप देना इसको आप मैनिफेस्ट बोलते हो और एल्यूड का मतलब होता है स्केप ई एस सी ए पी स्केप इसका मतलब होता है बचकर निकल जाना बच कर या चकमा देकर निकल जाना ये इसको आप बोल सकते हो स्केप या इसको आप इल्यूड भी बोल सकते हो तो इस तरह से इसका जो सैनोनिम्स हम लोग लगाएंगे वो सी लगाएंगे और सी विल बी द राइट आंसर सी करेक्ट आंसर होगा इन का मतलब स्वाद या रंग में फीका स्वाद या रंग आदि में फीका रंग में हल्का या स्वाद में हल्का या फीका को हम इनसीपीठ बोलते हैं इंसिपीट का मतलब रंग या स्वाद में फीका होता है तो आपने यहाँ पर स्लो ऑफ मतलब थोड़ा स्लो बताए यही ना अच्छा ठीक है तो अभी यहाँ पर आप देखो इन का मतलब स्वाद या रंग में फीका होता है और यहाँ पर स्पाइसी मतलब चटपटा होता है मसालेदार होता है तो चटपटा का मीनिंग देने मसालेदार का मीनिंग देने आपका स्पाइसी आ रहा है तला हुआ तो मसालेदार के लिए स्पाइसी या चटपटा के लिए स्पाइसी हो जाएगा इंटरेस्टिंग मजेदार को बोलते हैं रोचक को बोलते हैं और ये सब तो या इसका एंट जाएगा क्योंकि स्वाद या रंग में जो फीका होगा उसको इन बोला जाएगा वार मतलब गर्म होता है बार्म अच्छा गर्म के सेंस में आता है, हल्का गर्म या नॉर्मली गर्म जितना गर्म अच्छा लगे उसको वार्म कहा जाता है। वार्म गुड सेंस में जैसे आप बोलते हो वार्म वेलकम मतलब गर्मा गर्म स्वागत बहुत अच्छा स्वागत तो वार्म गुड सेंस में यूज किया जाने वाला एक प्रिपोशन है गर्म के अर्थ में एक एडजेक्टिव है गर्म के अर्थ में आता है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सेंस भी अच्छा के सेंस में गर्मा गर्म के सेंस में अच्छे के सेंस में आ रहा है और हमें फीका के सेंस में देना है तो सेवर का अर्थ होता है स्वाद यानी टेस्ट एस ए स्पेलिंग होती है और ऐसे भी ओ यू आर बीस की स्पेलिंग होती है सैवर का मतलब टेस्ट होता है सैवर लेस मतलब स्वाधीन या रंगहीन तो रंगहीन नहीं होगा लेकिन स्वरलेस का मतलब सिर्फ स्वाधीन होगा और इनसीपीड का अर्थ स्वाधीन भी होता है रंगहीन भी होता है फीका होता है स्वाद या रंग में तो हमारा जवाब बी ऑप्शन आ चुका है जय हिंद यूपी कुमार चलिए आप सब लोग के लिए हम एकदम तनमयता से लगे हुए हैं बट पावर में भी अब आ गए हैं इनोक्स का मतलब हानि रहित होता है इनोकुअस का मतलब होता है हानि रहित इनोकुअस बहुत ज्यादा बार पूछ चुका है, है ना बहुत ही ज्यादा रिपीट हुआ है ये वर्ड इसका मतलब हानि रहित होता है जय हिंद तो इसका मतलब हानि रहित होता है और इसका आप लोग बता रहे हो शायद इसी का बता रहे हो सकता है हार्मलेस होगा है ना तो इसके लिए आपका नहीं आप लोग सात का का बता रहे थे अब अब आठ देखिए के बाद आने वाला नाउन पुरल होता है पूजा कुमारी इसलिए आपको वन ऑफ आप द बेस्ट के बाद टीचर नहीं टीचर्स लिखना चाहिए था है ना उसमें सुधार की जरूरत है केयरलेस केयरलेस की हिंदी क्या हो गई लापरवाह Careless की हिंदी हो गई लापरवाह insufficient sufficient मैंने पर्याप्त होता है इन लगने से एंटोनिम्स बन गया, तो इन सफिसियंट का अर्थ हो गया अपर्याप्त और रिस्पॉन्सिबल मैंने जिम्मेवार हो गया तो irresponsible रिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेवार हो गया ये रिस्पॉन्सिबल का उल्टा हो गया अब आप समझ सकते हो हार्मलेस का मतलब भी हानि रहित होगा और इनोक्वे का मतलब भी हानि रहित होगा तो आठ का तो बी हो ही जाएगा गुड जय कुमार काफी लोग अब लाइव रह रहे हैं मैं आप लोग के अंदर जो ये जागृति आई है ये आया है इसके लिए बहुत बहुत मैं मतलब समझो कि खुश हूँ इस बात को लेकर तो आठ का बी होगा मनीषा कुमारी सतीश कुमार पूजा कुमारी सोनू न्यूटन अब न्यूटन तो पहचान गए आपको आप दांगी लॉज से बिलोंग करते हैं अगर हम सही हैं तो हाँ मैं जवाब दीजिएगा पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक ये भी बहुत अधिक बार पूछा गया वर्ड है एग्जाम में पेरिलस वर्ड भी अगर आप देख रहे हो तो बहुत ज्यादा बार इसको पूछा है है ना शिवानी भारद्वाज नीतीश नयन राय गुड इवनिंग लेट हो गए आप राहुल यादव बी होगा डेंजरस इसका होगा सही जवाब है खतरनाक के लिए डेंजरस ही होगा अब बाकी वर्ड भी सीख लो कौशस मतलब सावधान या सचेत होता है कौशस का मतलब होता है सावधान या सचेत अलर्ट के सेंस में कौशस आता है और ड्यूबियस का मतलब डाउटफुल होता है और ड्यूबियस धुंधला के सेंस में भी आता है तो ड्यूबियस की एक मीनिंग हो गई संदेहास्पद या संदेहजनक जो कि डाउटफुल इसका साइन हो जाएगा और ड्यूबियस को आप धुंधला भी बोल सकते हो मरकी भी बोल सकते हो ड्यूबियस का कभी कभी एग्जाम में मरकी दे देता है और मरकी का मतलब भी धुंधला होता है ड्यूबियस का मतलब भी धुंधला होता है अभी यहाँ पर मोन्स्ट्रस शब्द जो आप देख रहे हो जिसको अभी तक हमने नहीं बताया बेहद आसान है ये मॉन्स्टर शब्द से बना है मॉन्स्टर का मतलब होता है विशाल काय दानव बहुत बड़ा दानव तो विशाल काय दैत या दानव को हम लोग मॉन्स्टर बोलते हैं इसके ऊपर बहुत सारा सिनेमा भी हॉलीवुड में बना हुआ इस वर्ड के ऊपर तो विशाल काय दानव को हम लोग मॉन्स्टर बोलते हैं ठीक है तो मॉन्स्टर वर्ड हो गया इसका सैनोनिम का आंसर हो गया आपका डेंजरस लेकिन मॉन्स्टरस का मतलब होता है विशाल काय बहुत बड़ा दानवाकार दानव जैसा मॉन्स्टर से बना हुआ हो गया तो बहुत बड़ा या दानव जैसा बड़ा बहुत ही बड़ी आकृति का उसको हम लोग मॉन्स्ट्रस बोलते हैं भीम काय जिसको आप बोल सकते हैं बहुत ज्यादा बड़ा जिसको आप बोल सकते हैं आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं निम्बल निम्बल वर्ड का मतलब फुर्तीला होता है निम्बल की मीनिंग होती है फुर्तीला मतलब जो अपने शरीर की एक्टिविटी को तेज एक्टिविटी को दर्शाता है उसको निम्बल बोला जाता है अमित कुमार भी आ चुके हमारे बीच लाइव है है ना जवाब दिए हैं पिछले है, मतलब तो मतलब है। मतलब फैशन से बाहर हो चुका है आज के सेट प्रैक्टिस में यह वर्ड आया था मुझे याद आ गया आज जो मैंने सेट प्रैक्टिस कराया है उसमें भी यह वर्ड आया था सेट प्रैक्टिस थोड़ा डिलेड हो गया था फिर भी काफी लोग उसमें भी हिस्सा लिए तो क्लमसी का मतलब फूहड़ होता है या क्लमसी का मतलब बेडहंगा भी होता है ये हम बताए हैं इसमें और फैचुअस का साइनोनिम जो तुमको मिलेगा इसी सेट के अंदर मिलेगा आगे चल के हम यहाँ बता दे रहे हैं फैचुअस मतलब सिल्ली यानी सिल्ली मतलब मूर्खतापूर्ण आप कह सकते हैं तो यहाँ पर मूर्खतापूर्ण का मीनिंग आपका फैचुअस यानी कि सिल्ली दे रहा है ऑनेस्ट मतलब बच्चा बच्चा जानता है ईमानदार होगा ये बहुत घिसा पिटा वर्ड है आप ऐसे भी समझ ही गए हैं कि फुर्तीला का मीनिंग सर जो लिखेंगे वो अगाइल ही लिखे तो फुर्तीला का मीनिंग अगाइल हो गया और निम्बल हो गया तो निम्बल का भी हैं। आप क्विक, स्विफ्ट, निम्बल।, बहुत अच्छा, निम्बल भी हो सकता है पर इतना अधिक वर्ड अभी सभी स्टूडेंट नहीं याद रख पाएंगे इसलिए बताने की कोशिश करते हैं पर आप जानते हैं क्विक मतलब तेज होता है स्विफ्ट डिजायर मतलब आप गाड़ी का नाम है उससे याद रख सकते सकते हैं कि स्विफ्ट का मतलब भी वहाँ तेज होता है और अगाइल एक नया वर्ड आपके लिए हो सकता है इसका मतलब फुर्तीला और निम्बल भी नया वर्ड हो सकता है ये दो वर्ड आसान है इससे आप रिलेट करा के याद कर लो सेट प्रैक्टिस शाम में हुआ था शिवानी भारद्वाज समय था आज शायद मुझे छः बज गया था सेट प्रैक्टिस में आते आते या पाँच बज गया था कोशिश शाम में ही होगा चार बजे के बाद ही सेट प्रैक्टिस होगा लेकिन मूड पर है कभी कभी पहले बैठ जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए पता चल जाएगा और नहीं तो बाद में आप देख लिया कीजिए अभी एक वर्ड है आपके पास ये आइडियोसिंक्रेसी वर्ड है इसको बोलेंगे व्यवहार का विचित्र तरीका व्यवहार का विचित्र तरीका या विशिष्ट तरीका मतलब आम लोगों से हटकर विचित्र या विशिष्ट तरीका को व्यवहार के विशिष्ट तरीका को हम आर्डियो सिंक्रेसी बोलते हैं बहुत घिसा पिटा वर्ड इस मामले में है क्योंकि बहुत ज्यादा बार एग्जाम में दिखा है इसमें एग्जाम में एस एस के एग्जाम में कई बार हमने देखा कि स्पेलिंग टेक्स्ट में भी आपका आर्डियो सिंक्रेसी पूछेगा और उस समय क्या गलती करेगा हम बताते हैं बस इस स्पेलिंग में सी आर एस सी वाई लिख देगा और ज्यादा सी आर एस

इसको आइडियोलॉजी नहीं बोल सकते हैं सतीश कुमार आइडियोलॉजी का मतलब विचारों का प्रवाह होता है विचारधारा होता है माइ आइडियोलॉजी इज दैट गर्ल्स पार्ट इक्वली विथ बॉयज इन ऑल द फील्ड मेरी विचारधारा यह है कि लड़कियों को लड़के के साथ हर फील्ड में समानता से हिस्सा लेना चाहिए तो यहाँ पर यह हो गया आइडियोलॉजी का मीनिंग विचारधारा का मीनिंग मेथोडोलॉजी को मतलब मेथोडोलॉजी का मतलब तकनीक होता है मेथड की जो लॉजी हो गई विधियों या सिद्धांतों पर जो आधारित प्रणाली कार्य की प्रणाली हो गई तो किसी प्रिंसिपल पर या मेथड्स पर मेथड मतलब क्या होगा मेथड पर आधारित कार्य प्रणाली कोई मेथड हम डिसाइड किया उसी के आधार पर हम काम करेंगे आधार पर मेथड्स पर आधारित है ना आधारित कार्य प्रणाली किसी काम को हम कैसे करेंगे उसको उसके लिए हम कुछ मेथड निर्धारित किए हुए हैं और उन मेथड्स पर आधारित कार्य की प्रणाली को हम मेथडोलॉजी कहते हैं मेथडोलॉजी कहते हैं अब इसके लिए एकमात्र वर्ड आपका जो आप जवाब आप दे चुके हैं समझ के इसेंट्रिसिटी है इसको ऐसे समझो कि एक वर्ड जो है ई सी सी ई एन टी आर आई सी है इसेंट्रिक का साइनो स्ट्रेंज होता है इसेंट्रिक का साइनो Uh, कहने का मतलब पिकुलियर भी होता है और कभी कभी एसेंट्रिक का साइनो एग्जाम में क्रेजी भी देता है तो एसेंट्रिक का मतलब विचित्र हो गया एसेंट्रिक का मतलब पिकुलियर मतलब विचित्र और कहने का मतलब स्ट्रेंज मतलब भी विचित्र और एसेंट्रिक का एक और मीनिंग सन की निकलता है तो एसेंट्रिक मतलब सन की या विचित्र होता है एसेंट्रिक का साइन और स्ट्रेंज भी हो सकता है पिकुलियर भी हो सकता है और क्रेजी भी हो सकता है तो आगे अगर ये वर्ड तो एसेंट्रिसिटी का मतलब सनक या विचित्रता हो गया हाँ जी मल्होत्रा आपका नाम बड़ा बढ़िया है मोहतरमा बोलने में भी मजा आ जाता है अभी देखिए यहाँ पर ये आपका एसेंट्रिसिटी वर्ड जो हो गया विचित्रता का मीनिंग देने वाला हो गया तो विचित्रता का मीनिंग यहाँ पर विचित्र तरीका का मीनिंग जो है व्यवहार के विचित्र तरीका को हमने आडियो सिंक्रेसी कहा और यहाँ उसी विचित्रता का मीनिंग किससे मैच किया इसेंट्रिसिटी से तो हम यहाँ पर व्यवहार की विशिष्टता को बताने के लिए बी ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे इतना डिस्कशन में याद नहीं होगा समय दोगे तब ना उतना जो समय इधर उधर बर्बाद कर रहे हो बाकी काम को अरेंज करके यहाँ लगा दोगे तो हो जाएगा नया वर्ड आपके आ, स्क्रीन पर आ चुका है एक्सपंज एक्सपंज का क्या मतलब होता है एक्सपंज का मतलब ये वर्ड देखो एक्सपंज से ज्यादा बार एसएससी ने इस वर्ड को पूछा है अबिलिटरेट तहस नहस कर देना बर्बाद कर देना समूल नष्ट कर देना इसको बोलते हैं एबिलिट्रेट का फिर साइनो क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय इजी वाला साइनो मतलब एक स्पंज को हम ऑबिलिटरेट बोल सकते हैं फिर ऑबिलिटरेट को हम डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं तो आप कह सकते हो कि पूर्ण रूप से नष्ट कर देना बर्बाद कर देना एक स्पंज की हिंदी हो गई पूर्ण रूपेण नष्ट कर देना या पूर्ण रूपेण बर्बाद कर देना पूर्ण रूपे नष्ट कर देना इसके साथ आपको दो वर्ड और हमने इससे रिलेट करके बताएं इसको आप लोग आ, इसको आप लोग जो है अबिलिटरेट भी बोल सकते हो और डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हो ज़्यादा बार एग्जाम में ये वर्ड पूछा गया है अबिलिटरेट वर्ड ठीक है इसको आप रूट आउट भी सैनोनिम में बोल सकते हो रूट आउट का मतलब भी होता है समूल नष्ट कर देना पूर्ण रूप से नष्ट कर देना या आप रूट भी बोल सकते हैं इसके लिए एक और वर्ड आपका आता है डिमोलिस डिमोलिस का मतलब भी होता है पूर्ण रूप से नष्ट कर देना तो रूट आउट बोलो चाहे डिमोलिस बोलो चाहे डिस्ट्रॉय बोलो चाहे obliterate बोलो और चाहे बोलो सभी शब्दों के मतलब एक ही हो रहे हैं डिलीनियट का मतलब और इफेस का मतलब बता रहे हैं इफेस का मतलब भी होता है नष्ट कर देना या मिटा देना फेस की मीनिंग भी होती है नष्ट कर देना मिटा देना तो तुम्हारा सैनोनिम जी हो गया डेलिनिएट वर्ड का मतलब पोर्ट्रे होता है पोर्ट्रे जो है या स्केच होता है पोर्ट्रे या स्केच का मतलब होता है रूपरेखा बताना या चित्रित करना जैसे हम बोलते थे ना कि हल्कू का चरित्र चित्रित करें तो उसी को डेलिनिएट करते हैं किसी का चरित्र को चित्रित करना या दर्शाना साकार रूप देना किसी के बारे में बताना यह चीज आपका डेलिनिएट हो जाएगा इसको आप पोर्ट्रे भी बोल सकते हो यहां पर एक वर्ड आप देख रहे हो मार्क मार्क का मतलब है चिन्हित करना मार्क का मतलब होगा चिन्हित करना रिवाइटलाइज वाइटल मतलब महत्वपूर्ण ठीक है और री मतलब फिर से महत्वपूर्ण बना देना लेकिन ये ऐसा मीनिंग नहीं देता है रिवाइटल का मतलब ऊर्जा से भर देना होता है तो फिर से ऊर्जा से भर कर दे भर देना इसको बोलते हैं पुनर्जीवित कर देना कोई कार्य या कोई व्यक्ति कोई, कोई कार्य या कोई कंपनी आदि जो एकदम रुका पड़ा हुआ है उसको फिर से चालू कर देना तो उस पुनर्जीवित करना को हम बोलते हैं रिवाइटलाइज इसको रिवाइटलाइज बोला जाए आएगा क्वेश्चन नंबर 12 आ गया क्वेश्चन नंबर 13 12 13 में नहीं ले पाया मिस्टेक हो गया ठीक है ना 13 नंबर क्वेश्चन कल ले आएंगे अभी 13 में भी 12 ही आ गया इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 14 आ गया आपका सोमब्रे का मतलब डिप्रेस्ड होता है जब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है तो कहने का मतलब आप बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं तो डीप सीरियसनेस बहुत अधिक गंभीरता हो गई है और डीप सीरियसनेस के कारण आदमी अगर सैड रहने लग जा है यानी कि डिप्रेशन में चला जाता है चिंता में चला जाता है तो इस डिप्रेशन को इस डीप सीरियसनेस को अंधकारमयी भी होता है तो सौम्रे का हिंदी एक हो गया निराशाजनक निराशाजनक मतलब या गंभीर या फिर इसको कह सकते हो कि अंधकार मैं लेकिन ये चिंताजनक ये सब मीनिंग जो है आपका आपका किससे निकल रहा है सोमरे से निकल रहा है ये दर्शाता है क्या चीज को या तो अंधेरा को दर्शाता है अंधेरा इसका डार्क भी एक मीनिंग होता है सौमरे का डार्कनेस भी एक मीनिंग या डार्क मीनिंग हो गया एक किसका है ना और ये दूसरा मीनिंग इसका हो गया डार्कनेस के अलावा इसका एक और मीनिंग क्या हो गया सीरियस डीप सीरियसनेस या सैडनेस या इसको आप और क्या बोल सकते हो इसको आप डिप्रेशन भी बोल सकते हो डिप्रेशन भी बोल सकते हो या डिप्रे अब उसी तरह का मीनिंग क्वाइट क्वाइट इसका साइनो नहीं होगा क्योंकि क्वाइट मतलब शांत होता है स्लीपी मतलब नींद जैसा हो गया यह भी नींद जैसा स्लीपी मका मतलब नींद जैसा हो गया और ये भी इसका झुपनी जैसा नींद जैसा यह भी इसका सैनोनिम्स नहीं हो सकता है, है ना इसका सैनोनिम्स सिर्फ सीरियस भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि सीरियस मतलब सिर्फ गंभीर भी होता है और ये डीपली सीरियस भी है और सैड भी है और का भी मीनिंग देता है गुलूमी गुलूमी वर्ड अभी पहले भी आया था तो हमने बताया था कि गुलूमी का मतलब में भी होता है और उदासी भरा भी होता है और डिप्रेशन भी होता है तो इसीलिए मोनोटोनस यानी कि उबाऊ भी होता है हाँ ठीक है सैड मोनोटोनस बिल्कुल सही मोनोटोनस भी इसकी मीनिंग होती है उबाऊ भी होती है

ये समझो कि प्लेबियन का मतलब कॉमनर ही होता है ऐसे ही याद ही करना है और तुम्हारा ऑप्शन में भी मैच कर गया कि कॉमनर यहाँ पर आया हुआ भी है एक ही बार में आंसर बोला गया समझाते हैं उसको पहले आसान वर्डों को हटा देते हैं पिजेंट कल के भी क्लास में सेट में आया है पिजेंट मतलब किसान होता है नॉबल मतलब सालीन होता है सभ्य होता है है ना नॉबल मतलब सालीन या सभ्य होता है शांत भी होता है नॉबल मतलब सौम्य भी होता है, मतलब है। अरिस्टोक्रेट का मतलब शाही घराने से संबंधित या शाही घराने का राजसी खानदान का व्यक्ति को अरिस्टोक्रेट बोलते हैं शाही घराने का व्यक्ति इसको बोलाता है अरिस्टोक्रेट शाही घराने का व्यक्ति को बोलाता है अरिस्टोक्रैट तो अभी हमने आपको एक बात बतानी है कि यहाँ पर आपका एक वर्ड है कॉमनर मतलब साधारण तरह का व्यक्ति जो कि उच्च वर्गों के द्वारा मतलब बड़े लोगों के द्वारा जिसका सम्मान नहीं किया जाता है जिसको सम्मान नहीं मिलता है तो आम आदमी इसको आप कॉमनर बोलते हैं तुच्छ आदमी निम्न दर्जे का आदमी तो समाज में जिसकी स्टेटस निम्न हो सामाजिक रूप से जो आदमी तुच्छ हो हो समाज के बीच में जिसका स्टेटस निम्न हो, तो सामाजिक अर्थों में तुच्छ व्यक्ति को कॉमनर कहा जाता है आम आदमी कहा जाता है इस पर जो ज्यादा लोगों का टेंशन नहीं हो ध्यान नहीं हो इसको आप बोल सकते हैं इन इंग्लिश बिलोंगिंग टू लोअर सोशल क्लास समाज में निम्न वर्ग से आने वाला साधारण सा व्यक्ति आर्थिक रूप से आप कह सकते हो निम्न वर्ग से जो समाज में व्यक्ति आता है जो आम आदमी होता है इसको हमने समझाया उसको कॉमनर या तुच्छ आदमी सामान्य आदमी उसको प्लेबियन प्लेबियन या कॉमनर कहा जाता है मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं अभी है ना जब आपको लगे कि अब मतलब सवा दस तक ये जितना वर्ड हो पाएगा उतना हम करेंगे कोशिश करेंगे है ना हाँ ऐसे तीस वर्ड का सेक्शन रखे है तो कोशिश करेंगे आज तीसो वर्ड बता दें मुझे लगा था तीस वर्ड हो जाएगा ओनर्स का मतलब जिम्मेवार होता है ओनर्स का मतलब जिम्मेवार होता है ठीक है पंद्रह का ए होगा हाँ विराट कोहली फैन क्लब इंडिया मैं भी नवादा से हूँ अच्छा ठीक है जान गए आपको कि आप नवादा से हैं। विराट कोहली का विलेज नेम चलो सब यही परिचय ले लो अपना मेरा नेट नहीं चल रहा था सर दिवाकर जी की समस्या आप लोग का समस्या भी तो देखना है चलिए ठीक है बहुत लोग बने हुए हैं निवास निराला जिम्मेवारी होगा सी होगा हाँ चलिए ठीक है सर से प्रैक्टिस का टाइम फिक्स कर दीजिए प्लीज़ अच्छा फ़िक्स कर देंगे कल देखते हैं फिक्स हो जाएगा लगातार ही ले लेंगे और क्या आठ से नौ नौ से दस रेगुलर बैठे रह जाएंगे तो ऑनर्स का मतलब जिम्मेवार होता है और जिम्मेवार की सही मीनिंग जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो यहाँ पर आप देखो यहाँ जिम्मेवार का ये हो जाएगा है ना इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव होता है या लगाव होता है ये वर्ड पहले भी आया था तो झुकाव या लगाव का मीनिंग देने इंक्लिनेशन आता है प्रूडेंस एक कोचिंग भी है बहुत फेमस कोचिंग है है ना मैथ्स के लिए खासकर ज्यादा फेमस है तो प्रूडेंस जो कोचिंग है वो किस वर्ड से बना है ठीक है प्रूडेंट मतलब होता है बुद्धिमान प्रूडेंट मतलब विवेकी भी होता है प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान भी होता है जो बुद्धि विवेक से काम करे चतुर भी होता है प्रूडेंट का मतलब चतुर भी होता है इसको वाइज इसका सैनोनिम्स है और उसी से बन गया प्रूडेंस अबस्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से बन गया और इसकी मीनिंग हो गई बुद्धिमानी ठीक है ये प्रूडेंस की मीनिंग है एंटीपैथी का मतलब घृणा या अनिच्छा होती है इसको डिसलाइकनेस आप बोल सकते हो हाइटर्ड भी बोल सकते हो है ना तो एंटीपैथी की मीनिंग हाइटर्ड भी हो सकती है डिसलाइकनेस भी हो सकती है ये सब एंटीपैथी की मीनिंग है तो सोलह का सी होगा ये तो सबको दिख रहा है कि सोलह का सी होगा आप लोग का जवाब भी आ जाता है अच्छी बात है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये लेकिन थोड़ा सा कड़ा हो जाता है क्योंकि इसके ऑप्शन सब आसान नहीं है लेकिन एक वर्ड देखो हमने आपको बताया था थोड़ा देर पहले फैचुअस का मतलब सिल्ली होता है मूर्ख व्यक्ति या सिर्फ मूर्ख के अर्थ में ये वर्ड आता है तो ये एक वर्ड तो आसान हो गया अगर इससे मैच करेगा तो ठीक है केयरलेस भी इसमें आसान है केयरलेस का मतलब सबको पता है केयरलेस का मतलब लापरवाह होता है और सेंगुइन का मतलब होपफुल होता है होपफुल की क्या मतलब होती है होपफुल का मतलब होता है पॉजिटिव रहने वाला आदमी आशावान आदमी तो यह सेंगून का मतलब हो गया अब आओ सैगिसियस मतलब जिसका की इनसाइट मजबूत है ंग ए गुड इंसाइट इंटू समथिंग ठीक है तो जिस व्यक्ति का इनसाइट इनटू लेता है ये आपको हम बताए भी थे ये वर्ड आपका में बहुत बार आया था तो इनसाइट इनटू समथिंग किसी चीज में तीक्ष्ण समझ होना किसी चीज को जो आदमी जल्दी से समझ जाए उसको हम क्या बोलते हैं बाबू उसको हम समझदार बोलते हैं बुद्धिमान बोलते हैं तो समझदार या बुद्धिमान का मीनिंग देने या विवेकी का मीनिंग देने समझदार कहलो, कहलो, कह लो बुद्धिमान कह लो या विवेकी कह लो ये सब मीनिंग देने के लिए तुम्हारा वर्ड कौन आया सेंगेस सेगेसियस आया और फैचियस केयरलेस सेंग्युन ये सब का मीनिंग तुम तुमको पहले ही बता चुके हैं अब तुम अपने आप आंसर भी लगा दियो सही लगाया हो तो यहाँ पर तुम्हारा पर्सपे कैसियस का भी मीनिंग समझदार बुद्धिमान विवेकी हो जाना है और इसलिए तुम लोग का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है चलो ठीक है लोग इसी तरह बने रहे तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है तो वाइज या श्रीड बुद्धिमान व्यक्ति के अर्थ में जिसकी अंडरस्टैंडिंग पावर अंदाजा लगाने का परस्पी कैशियस का मतलब लोगों को समझने की क्षमता जिसमें ज्यादा है कि कौन आदमी बेमान है कौन आदमी अच्छा है इस चीज की समझदारी जिसमें ज्यादा है चीजों और व्यक्तियों को जो आसानी से समझ या परख लेता है उसको आप सैगैसियस भी बोल सकते हो और पार्सपी कैशियस भी बोल सकते हो हाँ भी होगा अब आओ यहाँ पर अगला वर्ड तुम्हारा अटेंचुएट है अटेंचुएट बहुत आसान वर्ड है इसका एक बार हिंदी बता देते हैं तो बड़ा आसानी से बन जाएगा ये इसका गलत टाइप हो गया है क्लेवर कोई वर्ड नहीं है क्लेवर है बीकेन मतलब का मतलब कमजोर करना होता है, है ना और हार्वेस्ट का मतलब फसलों को काटना होता है फसलों को काटना कटाई करना वो हो गया आपका हार्वेस्ट फसलों को काटना

चलो ठीक है ऐसे डायरेक्टली आप रट भी सकते हो कि अटेंचुएट का मीनिंग कमजोर करना होता है लेकिन अटेंचुएट का मतलब होता है टू रिड्यूस इन वैल्यू मतलब किसी का महत्व को कम कर देना या फिर अमाउंट या किसी चीज की मात्रा को कम कर देना या फिर फोर्स या किसी चीज के ताकत को कम कर देना यह है असली मीनिंग अटेंचुएट का मतलब अटेंचुएट का मतलब किसी चीज के महत्व को घटा देना किसी चीज की मात्रा को घटा देना या किसी चीज की शक्ति को घटा देना जबकि विकेंड का मतलब कमजोर करना तो इससे मिलता जुलता है आप प्योरली ये नहीं कह सकते हो कि अटेंचुएट की हिंदी डायरेक्टली कमजोर करना ही होगी टू मिक्स प्रैक्टिस फॉर इंडियन इंडियन कोस्ट कोस्ट गार्ड गार्ड बिकॉज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अच्छा शेड्यूल डेट एक ही बात है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो इंडियन कोस्ट गार्ड की करो नेवी की करो या फिर एस एस सी की तैयारी करो इंग्लिश का पैटर्न एक किसी अच्छे एडुकेटर से पूछो इंग्लिश का पैटर्न सबके लिए सेम है और तुम अगर एक चीज के, के लिए भी तैयारी करते हो सेट प्रैक्टिस लगाते हो तो सभी सेट में तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन प्रोस्क्राइब का मतलब रोक देना होता है प्रोस्क्राइब का मतलब होता है रोकना अब आप यहाँ देखो प्रोहिबिट का मतलब भी होता है रोकना फट से आंसर लग गया कि प्रोस्क्राइब का आपका प्रोहिबिट होगा सोलिसिट इंक्लूड आसान वर्ड है इसका लिख देते हैं इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना अच्छा ये प्रॉब्लम किन्हीं को हो रहा है कि जो पीडीएफ हम भेजते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर वो आपसे खुलता नहीं है किनको हो रहा है ये प्रॉब्लम परमिट का मतलब होता है अनुमति देना परमिट का मतलब होता है अनुमति देना और सॉलिसिट का मतलब होता है प्रार्थना करना या विनती करना तो जितना भी वर्ड का मीनिंग रोकना होगा प्रोहिबिट होगा प्रिवेंट होगा बैन होगा स्टॉप होगा ये सभी सब जो है प्रोस्क्राइब के सैनोनिम्स हो जाएंगे है ना और सॉलिस सॉलिसिट का मतलब रिक्वेस्ट हो गया अनु और सॉलिसिट का रिक्वेस्ट बहुत बार आ चुका है एग्जाम में ये बहुत इ, आ, मतलब कि बहुत ही फेमस वर्ड है बहुत घिसा पिटा बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है सॉलिसिट प्रार्थना करना या विनती करना का मीनिंग देता है और आपका आंसर ए हो जाएगा टेलीग्राम ग्रुप के नाम लिंक शेयर कर देंगे नाम का क्या है गोपाल इंग्लिश क्लासेज से सर्च करोगे आ जाना चाहिए तो अब यहाँ पर और लोग बहुत लोग जुड़े हुए हैं किन्हीं को बोलो तुमको जोड़ भी देंगे है ना आसानी से तो इसका जवाब प्रोहिबिट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बीस तीस क्वेश्चन है मेरे पास और पंद्रह सावा दस तक सारा हो जाएगा पेरिल आपको बताए हैं थोड़ा देर पहले भी आया आई थिंक पेरिल का मतलब खतरा होता है और इसका पहला ऑप्शन ही तुम्हारा आंसर है पेरिल का मतलब डेंजर हो गया इनसेक्योरिटी सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा हो गया तो इनसेक्योरिटी का मतलब असुरक्षा हो जाएगा रफनेस का मतलब कठोरता हो जाएगा रफनेस का मतलब कठोरता हो जाएगा और एंगर का मतलब गुस्सा हो जाएगा हर देखो ये सब भी एस एस पूछता है कहने का मतलब है कि तुम्हें प्रिपेरेशन करनी है ये नहीं सोचना है कि हम एस एस सी के हैं हम कोस्ट गार्ड के हैं तो हमने भी के हैं वर्ड किसी का सगा नहीं है जो पढ़ा है वो हर एग्जाम में वर्ड में अच्छा कर लेगा बीस का ये होगा मैं देख रहा हूँ आप लोग का जवाब है ना क्वेश्चन नंबर इक्कीस ऑगस्ट ऑगस्ट का मतलब भव्य होता है आकर्षक होता है तो अगस्त का मतलब भव्य आकर्षक होता है हाँ इसको आप स्पीच वगैरह देते समय भी यूज करते हैं हाँ मतलब ये अगस्त हो गया अगस्त का मतलब भव्य भव हो गया आकर्षक हो गया रेडिकलस रेडिकलस वर्ड जो है रेडिकलस का मतलब बेतुका हो गया रेडिकलस का मतलब भद्दा हो गया रेडिकलस का मतलब मजाकिया हो गया हास्यास्पद हो गया ठीक है कॉमेडियल जिसको बोलते हैं ऐसा कॉमेडी जिससे बुरा लग जाए तो हास्यास्पद हो गया ये सारे मीनिंग जो है आपके रेडिकलस के जाते हैं कॉमन का मतलब सामान्य हो गया ठीक है और पेट्टी बहुत ज्यादा पूछा है पेट्टी का ये वाला वर्ड होता है साइनानिम्स पेट्टी को आप ट्रिवियल बोलते हैं इसका मतलब तुच्छ होता है या इसको आप बोल सकते हैं कम महत्व का तो इसका जवाब जो आप लोग लगा चुके हैं एकदम सही लगा है अभिषेक राज पटेल नगर चलिए ठीक है बड़ा जल्दी डिलीट करते हैं किसको पता बता रहे हैं जी जब हमको देखने ही नहीं दिए तो हम तो गलती से लिया लगता है किसको बता रहे हैं अपना पता आप अभिषेक राज राजिग्निफाइड का मतलब क्या हो गया भव्य आकर्षक प्रतिष्ठित तो ये आपका भव्य हो गया आकर्षक हो गया प्रतिष्ठित हो गया ये सब मीनिंग किसका लाएगा डिग्निफाइड का तो ट्वेंटी वन का सी हो जाएगा मिर्जापुर अरे वाह हम भी लिख देते हैं पटेल नगर नबीन नगर के बीच में दोनों बीच में हमें लगता है नीतीश यादव आए हैं चलिए नीतीश यादव भी कुछ लिख कर डिलीट किए हैं सर टेलीग्राम नेम कौन सा है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको और सारे चैनल पर गोपाल इंग्लिश क्लासेस के नाम से खोजोगे शायद मिल भी जाए न, सर सर्च मारने पर टेलीग्राम पर शो नहीं कर रहा है आपका ग्रुप पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है तुमको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट खुल जाएगा नंबर नंबर डालना वही जो मेरा नंबर है उससे सर्च करो नंबर तुम्हारा हो जाएगा एट फाइव टू वन यहाँ लिख दे रहे हैं एक मिनट एट फाइव टू वन फाइव थ्री एट फोर जीरो सेवन ये है नंबर इस नंबर पर सर्च करना मिल जाएगा या मैसेज करना हम जोड़ देंगे आइए अगला वर्ड है कई लोग जवाब दे चुके हैं बाइस का ये सही जवाब है बिल्कुल सही जवाब है है ना तो यहाँ पर ऑब्स्टिनेट वर्ड है ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी होता है ढीठ होता है जो जो नए मतलब जो काम सोच लिया वो करेगा मतलब

वर्ड है एडमंट एडमंट का मतलब भी जिद्दी होता है तो स्टब बॉर्न लगा लो चाहे ऑप्सिनेट लगा लो चाहे एडमंट लगा लो सब का मतलब जिद्दी होता है तीनों एक ही हैं अब आप प्रिटी प्रिटी नहीं सिल्ली सिल्ली का मतलब मूर्ख थोड़ा देर पहले हम लोग को मिला था सिल्ली का आपका साइनोनिम्स भी मिला था और वो साइनोनिम्स क्या था फीच फैचुअस था क्लेवर बहुत आसान वर्ड है और प्रिटी का मतलब सुंदर होता है या अच्छा होता है तो इसका आंसर आप लोग लगा ही चुके हैं आंसर ए लगाए हैं आप लोग तीस क्वेश्चन लेके हम आए हैं और अब तक तेईस नंबर पर हम पहुंच गए हैं हम सोचे थे कि एक घंटा में तीस से ज्यादा नहीं हो पाएगा अलर्ट का मतलब होता है अलर्ट का मतलब सतर्क होता है ठीक है अलर्ट का क्या मतलब होता है सतर्क है। और वाचफुल का मतलब भी सतर्क या सावधान होता है तो अलर्ट का मतलब भी सतर्क सावधान वाचफुल का मतलब भी सतर्क सावधान है ना तो इसमें आपका जवाब आपका बी लग जाएगा अलर्ट का वाचफुल हो गया किस बात के लिए खुश हैं हाई स्पीड जी हमको ही बताइए अब देखिए क्लेवर मतलब चलाक हो गया सिल्ली फिर से आ गया सिल्ली मतलब मूर्ख हो गया और क्लेवर मतलब क्या हो गया चलाक हो गया तो आपका ये दोनों वर्ड तो गया हो मतलब बैरी बैरी मतलब दुश्मनी का भाव रखने वाला होस्टाइल मतलब बैर या दुश्मनी का भाव रखने वाला मतलब आप दुश्मन कह सकते हैं दुश्मनी का भाव रखने वाला ये एक एजेक्टिव है भाव का दुश्मनी का भाव रखने वाला तो इसको आप होस्टाइल कहिएगा तो इस तरह से आपका एक और वर्ड चला गया 23 का ए ऑप्शन कैसे लगा दिया जी तुम इतना समझाने के बाद भी 23 का तो बी होगा हॉस्टाइल तो का मतलब एडवर्सरी भी, भी हो सकता है अपोनेंट भी हो सकता है बाबू है ना इसको आप अपोनेंट भी बोल सकते हो इसको आप एडवर्सरी भी बोल सकते हो तो अब इस तरह से आगे आइए हो स्टाइल हो, हो स्टाइल से एक वर्ड आपका और पूछा है आपका हो स्टाइल से कभी कभी दिखेगा आपको होस्टलिटी और जब होस्टलिटी वर्ड आता है तो इसका सैनिम्स आपका एनिमिटी लग जाता है 23 तो का आपका बी हो गया आइए 24 नंबर क्वेश्चन में एल्यूर का मतलब होता है बुरे काम के लिए प्रलोभन देना किसी गलत काम के लिए उकसाना इसको आप प्रोभोक से भी सैनोनिम्स लगा सकते हो इसका प्रभोग भी हो सकता है और टेम्प्ट का मतलब भी होता है प्रलोभन देना बुरे काम के लिए लालच देना तो दोनों ही वर्ड का मतलब हो गया प्रलोभन देना उकसाना

अटेम्प्ट का अर्थ हो जाएगा प्रयास करना ट्वेंटी फोर का ये ऑप्शन लगा रहे हैं सभी लोग सही लगा रहे हैं प्रेज का अर्थ क्या होता है प्रेज का मतलब प्रशंसा करना होता है तो प्रेज मतलब प्रशंसा करना हो गया और डिसीव डिसीव वर्ड जो देख रहे हो आप डिसीव का मतलब हो रहा है धोखा देना तो इस तरह से देखा जाए तो ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल ट्वेंटी फोर क्वेश्चन अब तक बहुत अच्छे से कर चुके हैं ई देखिए कौन दुनिया से ही आते हैं बीच बीच में क्या लिखते हैं क्या नाम होता है सब सबसे स्पेशल लोग हैं कॉन्फिडेंशियल का मतलब गुप्त और कॉन्फिडेंशियल का मतलब रहस्यमयी ये दोनों ही मीनिंग कॉन्फिडेंशियल के होते हैं और आप समझ सकते हो कि इसका आसान सा 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 सस्ता सा वर्ड कौन होगा होगा डिसीव धोखा देना होगा फैमिली मतलब परिवार होता है डेंजरस मतलब खत, खतरनाक होता है और रिफ्यूट को आप कॉन्ट्राडिक्ट बोल सकते हो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है खंडन करना किसी मत का किसी विचार का किसी बात का विरोध करना उसको आप कॉन्ट्राडिक्ट भी बोल सकते हो थोड़ा बहुत इससे मैच करने वाला वर्ड अपोज भी हो सकता है लेकिन रिफ्यूट का कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड इसका जो ऑप्शन से बहुत बार मैच करेगा अगर हम बता देते हैं तो 25 का कौन सा ऑप्शन लगाएंगे 25 का आंसर आपका डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहां चला गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 अभी एक बहुत अच्छा वर्ड आया है एसट्यूट पहले आसान शब्दों को तुम कर लो जेनरस का मतलब उदार होता है सिरीवुड केयरफुल भी आसान है केयरफुल का मतलब सावधान होता है केयरफुल का क्या मतलब होता है सावधान होता है एस्ट्यूट का मतलब बुद्धिमान होता है और श्रीयुड का मतलब भी क्या होता है बुद्धिमान होता है या यू कहो कि एस्टिट्यूट को श्रीयुड ही कहा जाता है ये वो वाला बुद्धिमान है जो हम थोड़ा देर पहले एक बार और बताए थे जो आदमी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बुद्धिमान है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब उसको पता है कि किस आदमी का यूज करके हम ज्यादा फायदा कमा सकते हैं ऐसे आदमी की जो पहचान करने में सक्षम है इस तरह के धूर्त चलाक और बुद्धिमान व्यक्ति को चतुर व्यक्ति को हम लोग एस्ट्यूड या पारखी व्यक्ति को आप लोग जो है या बोलते हैं ये अपने लिए बुद्धिमान है अगला का यूज करने में तेज है कि किस आदमी का इस्तेमाल करके हम आगे निकल सकते हैं इस व्यक्ति को एस्ट्यूट या इस व्यक्ति को हम श्रियुड बोल सकते हैं यहाँ एक वर्ड आपको मिल रहा है डिस्ट्राउट डिस्ट्राउट का सबसे अच्छा आदि रखने का तरीका ये है वरीड एंड अपसेट चिंतित और उदास ये आपका डिस्ट्राउट है जो थोड़ा थोड़ा ग्लूमी से मिलता है, है ना तो अगर आपको ऑप्शन में बरीड मिल जाए अपसेट मिल जाए तो डिस्ट्राउट का साइनो हो जाएगा ये नहीं मिलेगा तो ग्लूमी मिल जाएगा वो इसका साइनो हो जाएगा विवेक पूर्णा विवेकपूर्ण पूर्ण हाँ हाँ सही है विवेकपूर्ण नहीं आप कह सकते हो ये आदमी बड़ा खतरनाक है एक तरह से है ना ये आदमी दूस अपने लिए फायदा मतलब कमा सकता है ठीक ना अब का मतलब लैक ऑफ वाटर नहीं ड्राउट्स का मतलब लैक ऑफ वाटर होता है जिसका मतलब कि सूखा भी होता है ठीक है तो ड्राउट्स जब सूखा पड़ता है उसको बोलते हैं तो ड्राउट्स का मतलब लैक ऑफ वाटर होता है डिस्ट्राउट का मतलब बरीड एंड अपसेट होता है यानी कि चिंतित और उदास ये मीनिंग है डिस ट्राउट का ठीक है बाबू सुधार लेना तुम अपना अगला 27 सेवन जयबर मने बकर बकर करना जयबर मने चैटर जयबर मने बिना सोचे समय मतलब स्पीक कंटिन्यूसली लगातार बोलना वो भी एक्साइटेड वे में कंटिन्यूसली या इसके लिए एक वर्ड और अच्छा है फ्लुएंटली इन एन एक्साइटेड मैनर मैंने कुछ बिना सोचे समझते लगातार जल्दी जल्दी समझ भी नहीं आ रहा तो जल्दी बोलते जा रहा है वो सोच ही नहीं रहा बस बोलते चला जा रहा है उसको बोलते हैं बकबक -बक करना तो जो बकबक -बक करना का मीनिंग है उसको जयवर बोलो या उसको तुम चैटर बोलो ठीक है प्रभावशाली वक्ता मतलब अगर कोई वक्ता बहुत ही प्रभावशाली साली ढंग से बोलता है तो प्रभावशाली वक्ता को हम लोग बोलते हैं तो Elequent मतलब प्रभावशाली तरीके से बोलने का जो काम होगा वो हो तो हो तो मतलब प्रभावशाली हो गया और चैटर बकबक -बक करना इसका सैनो हो गया टॉक मतलब सामान्य रूप से बातचीत करना और स्पीक मतलब सामान्य रूप से बोलना हवर हवर बोल रहे हैं तो जयबर होगा जयबर को हवर हवर से याद कर लिए जयबर चैटर हवर हवर बोलना हो गया आए गया अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फेटर जो है नाउन में आज ही पढ़ाए हैं एम के बैच में कि फेटर भर्भ है फेटर का मतलब होता है कैद करना और अगर नाउन के रूप में यूज करना हो तो फेटर्स लिखना होगा फेटर्स मतलब बेड़िया हो जाएगा है ना अब आप यहाँ पर देखो प्रेज अभी थोड़ा देर पहले बताए थे इसी तरह से याद होगा वर्ड रिपीट होते होते सुनते सुनते सुनने से जितना याद होगा लिखने देखने से इसमें अभी क्या क्या है तुम्हारा माइंड भी वर्क कर रहा है भी काम कर रहा है कान भी काम कर रहा है जितना ज्यादा ज्ञान इंद्री इन्वॉल्व होगा उतना ज्यादा देर तक याद होगा अपने से याद करोगे खाली रटोगे है ना अब यहाँ पर कोई समझा रहा है तो ज्यादा ही याद होगा रेनसीट का मतलब सड़ा हुआ गला हुआ बासी खाना के लिए यूज होता है सड़ा हुआ गला हुआ या बासी के अर्थ में आपका रोटेन और स्टेल के अर्थ में रोटेन मैंने क्या हो गया सड़ा हुआ सड़ा हुआ या बासी अगर आपका भोजन रहेगा सड़ा गला हुआ तो उसको आप लोग क्या बोलोगे ये खासकर फूड के लिए यूज होता है तो इसको रैनसिट बोला जाएगा तो रैनसिट तो कहीं से भी इसका सैनो हो नहीं सकता है प्रेज भी नहीं हो सकता है मतलब रहना, किसी बात या किसी चीज को लेकर के बने रहना जारी रखना यह आपका प्रशिष्ट होता है प्रीपोजिशन में बताए थे कि प्रशिष्ट इन लेता है तो प्रीपोजिशन से भी काफी वर्ड पावर स्ट्रांग हो सकता है तो ट्वेंटी का कौन सा होगा बाधित करना हैम्पर का मीनिंग होता है बाधा उत्पन्न करना बाधा डालना बाधित करना तो तो कहीं कहीं कायद करना 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 मतलब मतलब किसी को कायद करना, मतलब उसको बाधित या रोकना भी तो most near, जो यहां पर सबसे नजदीकी दे दे रहा है, वो दे रहा है 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 वो तो का का मतलब या बाधा डालना होता है। का sino, तुमको में मिल जाएगा ये वाला जो बहुत बार पूछा हुआ वर्ड है abstract, इसका मतलब हो गया बाधा डालना वो मिल रहा है, तो इसलिए है चलो थोड़ा कितना टाइम हो गया जी सावा दस मतलब क्लास खत्म करने का लगभग टाइम हो गया दो क्वेश्चन और है एक ट्वेंटी नाइन में इकुलेट आपको दिख रहा है और इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा ई का मतलब होता है डिप्राइव संबन ऑफ हीज आइडेंटिटी किसी को उसके पहचान से उसके रोल से वंचित रखना डिप्राइव का मतलब होता है वंचित रखना डिप्राइव ऑफ लेता है ये प्रीपोजिशन में ही बताए थे तो किसी को जो उसका कैरेक्टर ओरिजिनल है मान लिया जाए कोई मेल के कैरेक्टर में आ सकता है तो खास करके किसी के पावर को दबाना मेरा, मेरा या ताकत है, उसको दिखाने नहीं देना तो स्ट्रेंथ को दिखाने नहीं देना उससे वंचित रखना तो किसी के आइडेंटिटी किसी की पहचान से उसको वंचित रखना तो इसको बोलते हैं डिमोरलाइज करना हतोत्साहित करना जितना मेरे अंदर कैपेबिलिटी है उसको हमेशा आप दबाते रहते हैं हमेशा चार बात बोल के डांट दिए तो उसी को मैस्कुलेट बोलते हैं या उसी को डिमोरलाइज बोलते हैं एड का मतलब हो गया सहायता करना इसका साइनो कौन सा होगा डिमोरलाइज अप्रूव थोड़ा देर पहले मिला ही था अप्रूव का मतलब हो गया स्वीकृत करना तो इसका अप्रूव भी नहीं हो सकता और मतलब हृदय कृत बनाना हर मतलब दिल से जोड़ देना उसको हरटेन बोलते हैं ठीक है तो ये हरटेन हो गया और इसी के साथ आपका ट्वेंटी नाइन का ऑप्शन कौन सा ए हो जाएगा क्वेश्चन मतलब दिल से जोड़ देना हरटेन हो गया सरमाउंट का मतलब क्या हो गया काबू पाना सरमाउंट का अर्थ हो गया काबू पाना गौरव कुमार दिवाकर कुमार चलिए थोड़ा देर और बने रहिए धीरे धीरे है ना कोलैप्स का मतलब ढह जाना जैसे घर वगैरह ढह जाता है उसको बोलते हैं कोलैप्स हो गया कोई बिजनेस वगैरह खड़ा किए खत्म हो गया ढह गया तो उसको बोलेंगे कोलैप्स कर गया अब देखो गिव अप का मतलब गिव अप का मतलब कोई ये पहला भी आया था कोई बुरी आदत को त्यागना कोई गंदी आदत को त्यागना या त्याग देना तो ये आपका त्याग देना के सेंस में गिव अप आता है और यहाँ पर जो आपका वर्ड आपको दिख रहा है फिर से ओवरकम ओवरकम मतलब भी काबू पाना हो गया और सरमाउंट का मतलब भी काबू पाना हो गया आज का आखिरी वर्ड ये था है ना और इसमें अब आखिरी वर्ड है फ्लंक फ्लंक का मतलब असफल हो जाना किस चीज में फेल टू रीच द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड यानी जो सही पैमाना है जहां तक हमको पहुंचना था जिस स्टैंडर्ड का हमको बनना था वहां हम नहीं पहुंच पाए यानी उचित लक्ष्य को उचित स्टैंडर्ड को प्राप्त करने में चूक जाना या सीधे तुम याद कर सकते हो फ्लंक मतलब असफल होना लक्ष्य या पैमाना स्टैंडर्ड को प्राप्त करने में असफल होना दैट इज़ कॉल्ड फ्लंग उसको फ्लंग कहा जाता है गुड नाइट एवरी वन गुड नाइट गौरव कुमार आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं और सबसे बड़ी बात जो है से मतलब लाइक शेयर ये मैटर नहीं कर रहा आप अगर मेरे चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर दो और रेगुलर व्यूअर बने रहो और जो लोग आपको लगता है कि इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं इसका फायदा उठा सकते हैं उनको बताओ बेवजह की प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है उन लोगों को बताओ जो सच में इससे बेनिफिट ले सकते हैं हम उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो आज यहीं तक मिलते हैं अगले क्लास में क्यों रो रहे हो जी गुड नाइट थैंक यू दैट ऑल फिर मिलेंगे अगले दिन